अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलीस बाइकमेंट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम NS 200 है, इसके क्लच में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं को नहीं हो रही, देख के बनेंगे इंशाल्लाह। इधर बताओ, चले नहीं हो रही, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो, नहीं हुई न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल में हो जा रही मगर क्लच में नहीं हो रही, क्या है प्रॉब्लम देखेंगे बन। अब इसको एक बोल्ट खोल लेना, अपने को खोल के लीवर को ऐसा उठा लेना, योक को अलग उठा लेना। दोस्त को रंग खोलो, देखिए अब मैं खोल लिया स्विच इसका, अभी भी नहीं हो रही, ये स्विच का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको रिपेयर करके डाल देंगे अपन। अब मैं ये तो कैप निकाल दिया इसका, यहाँ पे देखिए लॉक लगे हुआ है ये, अब इसको कट कर देंगे, कट करे तो ये बाहर निकल जाता है, ये सब फोकस करता, पकड़ लो इसे, ये देखो मैं कट कर दिया इसका, ये निकल गया है टुकड़ा, ये स्विच बाहर है, ऐसा स्विच बाहर आ जाता है ऐसा। अपन इसको क्या करेंगे, शेविंग ब्लेड लेंगे, पकड़ो रहे हैं इसको, क्या है कार्बन आया था इसके ऊपर, इसको साफ करेंगे। अच्छा अब ये क्या हो गया, मान लो कॉपर के जो रहते हैं ये दो जने, ये लोग घसे गए, ये प्लास्टिक का जो दिख रहा है ना, इसको ज़रा अच्छा घस लेना। नहीं तो अपने को क्या पड़ता है मालूम, सूची नहीं डालना पड़ता है। देखो मैं स्टार्ट क्लच दबा रही हूँ, बटन सेल दबाना है, मैं दो लगाता हूँ, देखो न्यूट्रल गाड़ी गियर में है अपनी, दबा स्टार्ट हो गई। देखिए दोस्तों ये भी खोल लिया मैं, ज़रा हट जाऊँ मत, इसको ज़रा साफ कर लेंगे, पर इसमें भी कार्बन आ जाता, इसको छेड़ना नहीं, पट्टियों को छेड़े तो क्या है फिर इन्हें सताता, ऐसे इतना साफ़ कर लेंगे और फिट कर देंगे। अब इसको अपन साफ़ कर लिए, ये देखिए ये वर्न फ्री होना है, वर्क करना है अच्छा ज़बरदस्त। अब इसको क्या करेंगे, ये जो है क्लिप ये लगा देंगे, और ये देखिए कॉलम इसमें आ जाता है, ये बैठ गया है। अब इसको चेक करेंगे अपन, अब पकड़ लो, अब मैं गियर में डाली हुई है गाड़ी, वहाँ क्लच पकड़ना नहीं तो गाड़ी आगे निकल जाती है। अब सेल्फ मार के देखिए हो रही, अब इन्हें आधे पे भी होना है, इन्हें आधे पे भी हो रही, दिख रहा गैप, गैप आधे पे भी हो रही, आधा क्लच जब है तो भी होना है इन्हें। अभी फुल पे लगा दिया मैंने, हो रही इन्हें आधे पे लगाया, हो रही है अभी, कुछ भी नहीं दोस्तों, स्विच का प्रॉब्लम था, अब फिट कर देंगे, फिट करके क्लच दबा के चेक करेंगे। अब मैं इसको केबल टाई मंगा लिया दोस्तों, अब केबल टाई डाल देंगे अपन, कई बोलो उसका कट कर दिए थे अपन, शेविंग ब्लेड लो, अगर नहीं डाले तो केबल टाई ही नहीं टूट जाते वायर, सेम है स्विच, सॉकेट टूट जाती फिर इसकी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये गाड़ी जो है सो अब न्यूट्रल है, अब गियर में है, क्या बता रहे, कलर जब आते ही स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऑफ कर रहा हूँ मैं, ये देखो फिर स्टार्ट होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ मैं। जज़ाकअल्लाह खैर।